हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लिप, ट्रिप और फॉल हजार्ड्स के बारे में। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि इसके लिए जो है हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो हजार्ड है स्लिप, ट्रिप और फॉल का, ये ज्यादातर जो है हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है देखने को मिलता है। अब स्लिप जो हजार्ड है वो तब होता है जब वर्क साइट पर प्रॉपर हाउसकीपिंग जो है वो नहीं रहती है। जैसे कि फ्लोर पर जो है तेल का पड़े रहना, ग्रीस का पड़े रहना, या फिर बर्फ हो या फिर पानी का जो है पड़े रहना, या फिर किसी भी प्रकार का अगर लिक्विड अगर फर्श के ऊपर जो है पड़ा हुआ है या फिर प्रॉपर तरीके से जो है उसको अगर साफ नहीं करते हैं तो स्लिप जो हजार्ड है वो हमें जो है देखने को मिल सकता है। अब कई बार जो है सफाई के दौरान अधिक गीला पोछा लगाना या फिर कहीं से पानी जो है उसका रिसाव होना या फिर लीक होना या फिर ऐसे मैट का जो है वहां पर बिछाना फ्लोर के ऊपर कि जिसके कारण जो है स्लिप हजार्ड जो है वहां पर हो सके। तो ऐसे जो है ये कुछ कारण है कि जिसकी वजह से जो है स्लिप जैसी जो दुर्घटनाएं है उसका कारण जो है ये बन जाती है। अब ट्रिपिंग हजार्ड जो है वो तब होता है जब कोई भी वस्तु हमारे पैर से टकराती है या फिर पैर में कोई भी जो रस्सी हो या फिर वायर जो है वो उलझ जाता है या फिर फंस जाता है। तो उस कंडीशन में पर्सन जो है अपना बैलेंस खो देता है और वहां पर जो है वो ट्रिप हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सीढ़ियों से जो है उतरना चाहता है और एक स्टेप छोड़कर वो दूसरी स्टेप पर डायरेक्ट जंप करता है तो वो भी जो है यहाँ पर ट्रिपिंग हजार्ड का कारण बन जाता है। या फिर रास्ते पर अनवांटेड कोई मटेरियल जो है उसका रखा होना या फिर जिस मैट पर आप जो है चल रहे हो वो फटा होना, तो ऐसे में जो है ट्रिपिंग हजार्ड की संभावना जो है यहां पर बरकरार रह जाती है। चलिए बात करते हैं कि स्लिप, ट्रिप और फॉल हजार्ड के क्या रूट कॉजेस है उसके बारे में। अब स्लिप, ट्रिप और फॉल हजार्ड के जो है कुछ रूट कॉजेस होते हैं जो आपको वर्किंग साइट पर जो है गिरने का जो है कारण बनते हैं। तो इसमें जो है हम यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फॉल हजार्ड के बारे में। अब फॉल हजार्ड का जो है यहाँ पर प्रमुख कारण ये बनता है कि वर्किंग साइट पर सेफ्टी बेल्ट हो, हार्नेस हो या फिर लैनेट का इसका सही से जो है इस्तेमाल न करना, या फिर सीढ़ियों से उतरते समय सावधानी न बरतना, या फिर लोअर लेवल से अगर आप जंप करने का ट्राई करते हो तो वहां पर भी जो है आप यहाँ पर फॉल्स हो सकते हो। फिर उसके बाद है स्लिप हजार्ड। तो स्लिप हजार्ड की घटना जो है वो तब होती है जब चलने के दौरान आपके शूज या फिर जो फ्लोर है तो उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है जो स्लिप का यहाँ पर जो है कारण बन जाता है। अब इसको जो है कुछ पॉइंट से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जब सरफेस गीला हो या फिर उस पर जो है ग्रीस या फिर किसी भी तरह का लिक्विड अगर गिरा हो तो शूज और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है जिसके कारण जो है यहाँ पर पर्सन जो है वहां पर स्लिप हो जाता है। कभी कभार कोई जो लिक्विड है वो छलक कर गिर जाता है और उसे समय उसे अगर साफ नहीं किया गया तो वो दुर्घटना का कारण बन जाता है। मौसम अगर खराब होता है तो ऐसे में या तो सरफेस गीला हो जाता है या फिर लाइट्स का अभाव होने के कारण वहां पर दुर्घटना होने का जो है कारण वो भी बन जाता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है कि जिसकी मदद से जो है आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि स्लिप जो हजार्ड है वो कैसे हो सकता है। चलिए बात करते हैं ट्रिप हजार्ड के बारे में। तो ट्रिपिंग जो हजार्ड है ये तब होता है जब आपका पैर किसी वस्तु से टकराता है या फिर उलझता है तो आपका जो बैलेंस है वो आप खो देते हो और वहां पर गिर जाते हो। अब इसको जो है कुछ पॉइंट से जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जब आप चलते समय केयरलेसनेस रहते हैं तो किसी वस्तु से जो है ठोकर लगने से जो है आप वहां पर गिर जाते हो। अगर वर्किंग साइट पर पुअर लाइटिंग का अगर अरेंजमेंट रहता है तो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक से जो है आपको दिखाई नहीं देता है और उसके कारण जो है आपकी जो है वहां पर उसके ऊपर जो है ठोकर लग जाती है जिसके कारण जो है आप वहां पर गिर जाते हो। अगर कोई कारपेट बिछाया गया हो और मुड़ा हो तो वहां पर जो है आपका पैर फंसने के वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके कारण जो है आप वहां पर गिर सकते हो। केबल को अगर अंडरग्राउंड हो या फिर ओवर हाइट हो या फिर केबल ट्रे के माध्यम से वर्किंग साइट तक अगर नहीं ले जाया गया हो और वो अगर रास्ते में हो तो ऐसे में जो है ट्रिपिंग हजार्ड की जो संभावना है यहाँ पर बढ़ जाती है। वर्किंग साइट पर अगर जो फर्श है वो अगर टूटा हो तो उसके कारण जो है जो भी पर्सन वहां से गुजर रहा होगा तो उसको जो है ट्रिपिंग हजार्ड को जो है यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं कि ये जो स्लिप, ट्रिप और फॉल हजार्ड है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में।
अब ये जो स्लिप ट्रिप और फॉल हजार्ड है, इसका अगर हम रूट कॉजेस की अगर हम बात करते हैं, तो मेन जो है हमें रूट कॉज यहाँ पर पता चलता है जो वर्किंग साइट पर होता है, वो होता है प्रॉपर हाउसकीपिंग का न होना, यानी कि इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग होना। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाउसकीपिंग के बारे में। तो अगर कोई वस्तु अगर छलक जाए तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए, स्पिल्स एरिया या फिर वेट एरिया को मार्क करना चाहिए और किसी को उधर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति उधर काम करने के लिए जाना चाहता है तो वो देख ले कि उसके पास प्रॉपर सेफ्टी शूज है या फिर नहीं है। फ्लोर के ऊपर अगर कोई भी अगर डेब्रिज हो या फिर अनवांटेड मटेरियल अगर पड़ा है तो उसे तुरंत साफ करना चाहिए। रास्ते में जो भी ठोकर लगने वाली ऐसी कोई अगर वस्तु है तो उसे तुरंत वहां से हटाना चाहिए और रास्ते को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक केबल या फिर किसी भी तरह के केबल जो रास्ते में पड़े रहते हैं तो उसे ढक देना चाहिए। जितने भी वर्किंग एरिया है या फिर जो रास्ते है जहां से जो है पर्सन गुजरते हैं, तो उस एरिया को जो है आपको अच्छे से लाइटिंग करना है, यानी कि वहां पर जो है लाइटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी जो बल्ब है जिसका आप लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उससे अगर आपको कम रोशनी पड़ रही है या फिर उसका जो स्विच है वो अगर खराब है तो उसे तुरंत आपने बदल देना चाहिए। जब वर्कप्लेस पर स्लिप हो, ट्रिप हो या फिर फॉल जैसी जो भी घटनाएं है वो अगर बढ़ जाती है, तो इसे रोकने के लिए जो है आप ये चार जो स्टेप्स है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो उसके कारण जो है आप रिस्क का जो लेवल है वो काफी कम कर सकते हो। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है इंजीनियरिंग कंट्रोल, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, थर्ड है सेफ वर्क प्रैक्टिस और फोर्थ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो वहां पर प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि ड्रिंकिंग वाटर से जो भी पानी निकलता है तो उससे जो है वहां पर जो वर्क प्लेस है वो ज्यादातर जो है गीला हो जाता है, जिसके कारण जो है वो वहां पर दुर्घटना का जो है कारण बन जाता है। फिर उसके बाद है कि वर्क प्लेस पर लाइटिंग जो सिस्टम है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से आपको दिख सके और किसी को भी जो है यहाँ पर ठोकर लगकर गिरने वाली जो भी यहाँ पर घटना है उसको जो है हम यहाँ पर खत्म कर सके। अब वर्किंग साइट पर जो भी मैट हो या फिर फ्लोर है उसको जो है हमें इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि उससे जो है कोई भी फिसलन ना हो या फिर वो जो फिसलन है वो कम हो। जहाँ सरफेस का स्लोप है वहाँ पर हैंडरेल का जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी सरफेस है उस पर किसी भी प्रकार का जो है छेद नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की वस्तु जो है वहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो वहाँ पर दुर्घटना का जो है कारण बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में। अब जो भी पुअर वर्क प्रैक्टिस होता है तो उसको जो है यहाँ पर सही जो है डायरेक्शन देना काफी जरूरी होता है। हेल्थ और सेफ्टी जो कमिटी है उसको हर महीने जो है करना काफी जरूरी होता है। किसी भी काम के दौरान होने वाले जो भी खतरे है उसका जो है हमें यहाँ पर आकलन करना काफी जरूरी होता है और जो भी सेफ वर्क प्रैक्टिस है उसको भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करना काफी जरूरी होता है। वर्किंग साइट पर जो भी हजार्स होते हैं तो उसे रिपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है वो वहां पर होनी चाहिए, ताकि उसके पीछे क्या रूट कॉज है वो हमें पता लग सके और फ्यूचर में ऐसी जो घटना है वो वहां पर रिपीट ना हो तो उसको जो है हम यहां पर कंट्रोल कर सके। अगर कोई सरफेस गीला है तो वहां पर जो है फॉल हजार्ड का जो साइन बोर्ड है वो हमें लगाना चाहिए। जितने भी स्लिप ट्रिप से संबंधित जो भी हजार्स है उनको हमें रिव्यू करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेफ वर्क प्रैक्टिस के बारे में। जब वर्किंग साइट पर वर्क हो रहा होता है तो प्रत्येक काम के लिए कुछ रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन खाली रूल्स को बना लेने से एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर हम कम नहीं कर सकते हैं। इंजुरीज को कम करने के लिए वर्कर्स हो, सुपरवाइजर्स हो या फिर जो इम्प्लॉयज है उन्होंने सेफ वर्क जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना काफी जरूरी होता है। तो इसमें जो है कुछ सेफ वर्क प्रैक्टिस जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले है जिसको जो है फॉलो करना काफी जरूरी है। तो उसमें है कि फ्लोर को क्लीन करने के लिए जो भी सटीक केमिकल आता है उसका ही जो है हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। फ्लोर के ऊपर जितना भी जो मटेरियल है वो अगर इधर उधर अगर पड़ा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को जो है हमें वहां पर हटा देना चाहिए। लैडर पर चढ़ते समय हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये गिरने का जो है कारण भी बन सकता है। हाउसकीपिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए। फिर उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये बहुत जरूरी होता है कि वर्किंग साइट पर आने वाला प्रत्येक जो विजिटर हो या फिर वर्कर को करेक्ट जो पीपी है उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जितने अच्छे पीपी का आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो उतना जो है फॉल्स की जो है यहाँ पर संभावना जो है कम हो जाती है।
वर्किंग साइट पर प्रॉपर अगर पीपी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसकी मदद से काफी हद तक इंजुरी या फिर डेथ के खतरे को भी जो है यहाँ पर कम किया जा सकता है। अब इसको जो है कुछ पॉइंट से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब जो भी वर्क प्लेस में काम चल रहा है तो काम के दौरान प्रॉपर सेफ्टी शूज का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन जो पीपी है उसका भी जो है आपने इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप ऊंचाई पर काम करते हो, और उसको जो है हमेशा आपने मेंटेन भी रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्लिप ट्रिप और फॉल हजार्ड्स के बारे में और उसके कंट्रोल के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।